बरसठी थाना क्षेत्र के बड़कापुरा गांव में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की घर के अंदर मौत हो जाने से कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल जनों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। मणियाहू तहसील अंतर्गत बड़ेरी ग्राम पंचायत के बड़कापुरा में राम मिलन पाठक की विवाहिता पार्वती देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार की सुबह मौत हो गई। मौत की सूचना पर मृतक के मायके चंदौली जिले के महुआ प्रकाशपुर से पिता राम सरीक पांडे दोपहर बाद पहुंचे तो थानाध्यक्ष बरसठी राम सरीक गौतम को बेटी को जान से मारे जाने की सूचना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मृतक के पिता की तहरीर पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में बताया जाता है कि मृतक विवाहिता पार्वती देवी और पति राम मिलन के बीच अवैध संबंधों को लेकर बीते 8 महीनों से घर के अंदर वाद विवाद चल रहा था। शुक्रवार की रात सभी खाना खाकर सो गए, लेकिन सुबह पार्वती देवी नहीं उठी तो राम मिलन उसे जगाने का प्रयास किया, वह नहीं बोली, जिसके बाद परिजन उसे ले जाकर एक चिकित्सक को दिखाए। चिकित्सक ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तब ससुराल जनों ने सूचना मृतक के मायके दिया। सूचना पाकर मायके से शनिवार की दोपहर 12 बजे मृतक के पिता राम सरीक पांडे अपने पत्नी और बेटों के साथ बेटी के ससुराल पहुंचकर मृतक बेटी को देखने के बाद सूचना बरसठी थाना अध्यक्ष को दिया। आरोप लगाया कि मेरी बेटी को उसके पति राम मिलन ने जान से मार डाला है। बड़कापुरा गांव के कन्हैयालाल पाठक के पुत्र राम मिलन पाठक की शादी चंदौली जिले के महुरा प्रकाशपुर निवासी राम सरीक पांडे की बेटी पार्वती देवी से 15 मई 2014 को हुआ था। पार्वती के कुल 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 पुत्र 2 पुत्री हैं। सबसे छोटी पुत्री मात्र 8 महीने की ही है। मामले में थानाध्यक्ष राम सरीक गौतम ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही विवाहिता की मौत कैसे हुई यह पता चलेगा।